गंगा के नहाए कहू कौन नर तरी गयो मीनना तरी जा को जल ही में घर है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, यमुना और गंगा के जो है दोनों के बीच के हिस्सा है, इसको दोआबा क्षेत्र भी कहते हैं। वाटर एड इंडिया का अप्रोच था कि जो है शुरुआत कहाँ से की जाए। हमने पहले आइडेंटिफाइड किया कि हम किस किस लेवल पर काम करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशंस को जो है सेचुरेट कर पाएंगे। बच्चों को काफ़ी सारी बीमारी हो जाती है, मलेरिया होगा मच्छर काटने में। टॉयलेट एक है वो टूट गया, अभी बनवाया नहीं है। एक कुआं सूखने लगे, हैंडपंप जो गड़े थे उनमें पानी नहीं आता था। इन लेवल पर हम काम करते हुए हमने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। टांडा जो हम इस समय 10 ग्राम पंचायतों को फोकस कर रहे हैं उसमें से एक ग्राम पंचायत है। एक ऐसा जो है मारलाइट टोला था जिसको निषाद टोला कहते हैं, वो सभी एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं और इन लोगों के पास जो है जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन भी नहीं था और ना ही इतना पैसा था कि अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। हम पानी तो पहुंचा दिए लेकिन अब पानी का प्रबंधन कैसे हो? काम वाम करे यूज किए तो उसका पानी सोखते घटे मिल जाता है। जो भी वहाँ ड्रेन्स है उसको एक तरह से पूरे 60 घर को जो है चैनलाइज किया है। हमने वहाँ पर जो है 10 से 12 जो है इंडिविजुअल लेवल पर सोक पिट बनाए हैं और 3 मैजिक पिट बनाए हैं। ये एक टूल है एक तरह का कि किस तरह से जो है हम अपने जो है ग्राउंड वाटर में डिस्पोज ऑफ करें वेस्ट मैनेजमेंट को और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाया जाए। हर महीने हमारे यहाँ यूजर ग्रुप की मीटिंग होती है, हम लोग सब बैठक करते हैं। देखो हमारे गांव में स्वच्छता जरूरी है, ठीक, गंगा माँ में गंदा पानी नहीं जाए, अपने गांव को हम लोग स्वच्छ रखें। हम लोग को यहाँ रहना है तो हम ही लोग तो करेंगे। हम सारे लोग मिलकर के उसकी देखभाल भी करते हैं, उसका पानी बाहर नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 50 हाउसहोल्ड को जो है यहाँ पर जो है सेचुरेट करने की कोशिश की, कैसे उनके ग्रे वाटर को जो है हम मैनेज कर सकें। जो हैंडपंप का पानी नाली से निकलता है वही नाली का लगाव इस तालाब तक आया, पूरी समिति बनाए हुए हैं। बुजुर्ग लोग ये चीज़ को समझते हैं कि पानी का वाटर लेवल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। पहले खंडवा देखो साइड में तो मिट्टी नीचे की नहीं दिखाई पड़ती है और दूसरे खंड में देखो तो हल्की एकदम दिखाई पड़ती है, अब तीसरे खंड में देखिए कि जो है मिट्टी कैसे दिखाई पड़ रही है जमीन की नीचे। जब ये कचरा उसमें आ जाता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, आते हैं शाम सुबह लोग तो आके यहाँ बैठते हैं, ये कुर्सी पड़ी हुई है, बैठ के इस जगह जो है अपना दरबार भी करते हैं, देखते भी हैं, सुरक्षा भी इसकी करते हैं। बच्चे एज अ चेंज एजेंट काम करते हैं।
गुड हैबिट्स सिखाने के लिए जो है वाश ब्रिगेड बनाया गया है। देखते हैं कपड़े धुले हैं या नहीं, कहाँ कराए हैं कि नहीं, नाखून कटे हैं, खाना खाने के पहले हाथ धुलते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो है हमको शौचालय होने चाहिए, वो भी शौचालय कैसे, बाल मैत्री शौचालय। हैंड वॉश यूनिट्स होनी चाहिए, तो हमने हैंड वॉश यूनिट भी डिफरेंट हाइट पे बनाए जिससे हर बच्चा एक्सेस कर सके। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी यहाँ पर एकदम नहीं थी, तो इसलिए हमने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फैसिलिटेट किया है स्कूलों में। हर स्कूल में रिक्वायर्ड टॉयलेट होना चाहिए। नहीं होता है तो ये है कि उसे बनवाया जाए, और नहीं और भी दिक्कत हो सकती है लड़कियों के लिए। हम इस लेवल तक बच्चों को लाना चाहते हैं कि वो वास्तव में सैनिटेशन का क्या मतलब है वो समझ सके। PSC रेफरल हेल्थ सेंटर्स होता है जहाँ से वो CSC या फिर डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो रेफर करते हैं। वाटर एड की तरफ से यहाँ पे स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, हाथ धोने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक व्यवस्था करी है। दिव्यांग जनों के लिए शौचालय की व्यवस्था करी है। दिव्यांग शौचालय हर जगह अस्पताल और स्कूल में होने चाहिए। अस्पतालों में मरीज आता है, विकलांग मरीज आता है, सब तरह का मरीज आता है, तो उसको असुविधा नहीं होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो भी बरसात का जो पानी है उसको संचय करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए जगह की, ताकि वाटर लेवल जो हमारा बहुत कम हो चुका है वो बढ़े। अरे हमारे लोगों में गंदगी नहीं बढ़ेगी, हमारे बच्चे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम लोग अपने आप से खुद इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि गांव को गंदा रखने नहीं देंगे। वाटर लेवल जो है जो कम हो जाता था वो वाटर लेवल कम अब नहीं होता है। हैंड पाइपों में और कुओं में पानी पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध रहता है। अब बन गया है टॉयलेट, सब टोटियां भी लग गई है, नल में भीड़ लगी रहती है, अब एक एक बच्चा कर कर धो लेता है प्लेट और अच्छे से पानी पी लेता है। हमें बहुत खुशी होती है, आज भौतिक रूप से हमारा विद्यालय संपन्न है और हमको लगता है कि नई रोज इसी तरह सीख मिलेंगी तो हम तो कुछ बन के ही रहेंगे।